तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं प्रिज्मेक्स ग्लोबल बेंचेस की, क्योंकि इस स्टॉक में आज भी लोअर सर्कल लग गया है 1.84% की गिरावट के साथ। ये स्टॉक 1.60 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, लास्ट 5 डेज में भी कंटिन्यूसली लोअर सर्कल पे लोअर सर्कल लग रहे हैं। नियरली 7% के अराउंड गिरावट हो गई है। 1 मंथ में भी देखो बहुत ही बड़ी गिरावट हो गई है। तो अब इसके जो सपोर्ट लेवल है वो ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। तो नए आए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट समझते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ गया था, डबल हो गया था, और नेट इनकम जो है वो अंडर प्रेशर है, 64% के हिसाब से रिड्यूस हो रही है, क्योंकि इसके जो मार्जिन्स हैं वो भी अंडर प्रेशर दिख रहे हैं, 82% के हिसाब से रिड्यूस हो रहे हैं। तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो अंडर प्रेशर हैं, क्लियरली अंडर प्रेशर हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन सेल्स वॉल्यूम बढ़ने के कारण कंपनी का जो आप कह सकते हो कि रेवेन्यू है वो बढ़ गया है, मतलब कंपनी का बिजनेस तो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन इनपुट कॉस्ट का प्रेशर जो है वो क्लियरली कंपनी के नंबर्स के ऊपर दिख रहा है। तो यही कारण है दोस्तों, अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। जितनी देर तक कंपनी जो है रिजल्ट्स नहीं पेश करती है, Q2 के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो तब तक इस स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो आइए इसके फंडामेंटल भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो PE मल्टीपल्स हैं देखो वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। करंटली PE मल्टीपल्स 40 के अराउंड ही चल रही है। मार्केट कैप चलो 72 करोड़ का है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, PE मल्टीपल्स 40 के हैं, जबकि इंडस्ट्री के PE रेशो 47 के हैं। मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक अभी भी सस्ता है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि गिरावट भी हो चुकी है 1 मंथ में बड़ी। प्राइस टू बुक रेशो भी इसकी बहुत ही सही हो चुकी है, तो वैल्यूएशन बहुत ही सही हो चुकी है। डेब टू किटी रेशो भी इसका बहुत ही लो है, नियरली निल है, कोई डेब्ट ज़्यादा नहीं है कंपनी के ऊपर। ROE परसेंटेज चलो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हो, 4% के अराउंड दिख रही है, और EPS भी चलो ठीक ठाक है, 0.04 के अराउंड है। मतलब वैल्यूएशन बाई जरूर इसमें सही एक मौका बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में देखना होगा क्या ये जो स्टॉक है Q2 में अच्छे रिजल्ट्स पेश कर देता है। यदि इसके रिजल्ट सही आ जाते हैं तो फिर एक रिवर्सल का चांस जो है वो बनता दिखाई दे सकता है, क्योंकि जून क्वार्टर में कंपनी का जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि नंबर जो है वो मिक्स टाइप का ट्रेंड जो वो शो करते दिखाई दे रहे हैं। GLE बेसिस पे भी थोड़ा अभी बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को नहीं मिला था। तो कंपनी का बिजनेस देख लो, कंपनी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती है, टेक्सटाइल सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रेडिंग करती है, 3 इसके सेगमेंट्स हैं। कॉमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस में कंपनी काम करती है, फाइनेंस बिजनेस एक्टिविटीज़ में काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ में भी कंपनी काम करती है। तो कंपनी का एक तरह से डिवर्सिफाइड बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों डिवर्सिफिकेशन से क्या होता है, यदि कोई एक सेगमेंट अच्छा काम नहीं करती है तो दूसरी सेगमेंट में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह की कंपनी में जरूर आपको निवेश करके रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी है। कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, IT, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, पर्सनल, लेबर, लीगल एंड टैक्सेशन, फाइनेंशियल, कमर्शियल एक्स्ट्रा। तो डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, साथ के साथ कंपनी का टेक्सटाइल सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में भी बिजनेस है, और कंपनी जो है डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का भी काम करती है, जैसे कि इट एक्ट्स एज ट्रेड एडवाइजर्स, ब्रोकर्स, स्टॉकिस्ट, कमीशन एजेंट्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स ऑफ द टेक्सटाइल एंड ऑल काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो 3 सेगमेंट्स है इसकी, टेक्सटाइल सेक्टर आप कह सकते हो जैसे पहले बताया हमने, फाइनेंस सेक्टर, एंड तीसरा जो सेक्टर है दैट इज द ट्रेडिंग। तो अच्छी कंपनी है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसका सपोर्ट लेवल देख लो, फ्रेश एंट्री के लिए कौन सा सपोर्ट लेवल अच्छा रह सकता है। 6 मंथ का डाटा देखो, अभी इसमें नियरली 3% की रैली ही हुई है, लेकिन सपोर्ट देखें तो यहाँ पे देख सकते हो 29 मार्च को इस स्टॉक ने 1.44 के अराउंड सपोर्ट बनाया था, तो यही इसका एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट जोन बन सकता है। तो आने वाला टाइम है, क्योंकि गिरावट हो रही है, तो ये जो स्टॉक है ये 1.44 के अराउंड एक सपोर्ट बनाता दिखाई दे सकता है, तो इसलिए इसी लेवल पे फोकस करें। और क्योंकि आने वाले टाइम में यदि गिरावट होती है तो ये स्टॉक इस लेवल के अराउंड सपोर्ट बनाता दिखाई दे सकता है, तो वहां पे जाके एक फ्रेश एंट्री का अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन तो पहले ही सही हो गई है, और गिरावट होगी तो 1.40 के अराउंड जाके इसकी वैल्यूएशन और भी सही हो जाएगी, ये स्टॉक और भी सस्ता हो जाएगा, डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो वहां पे जाके यदि आप एंट्री बना सकते हो तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है इस स्टॉक में पैसा कमाने का। लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में अलर्ट रहें, तो ये स्टॉक लोअर सर्किट में भी चलता है, अपर सर्किट में भी चलता है।
यहाँ पे सिक्स मंथ का इसका ट्रेंड देखो, कभी इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी आई है और कभी इस स्टॉक में गिरावट होती है। तो ये स्टॉक एक जो है आप कह सकते हो सर्किट में चलने वाला स्टॉक है, पैनी स्टॉक है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा अलर्ट ही रहे तो बेटर होगा, क्योंकि पैनी स्टॉक में कभी भी किसी से पैसा लोन लेके नहीं लगाना चाहिए, ये पहली तो बात हमने नोट रखनी है। कभी किसी से पैसा पकड़ के उधार लेके लोन लेके कभी किसी पैनी स्टॉक में मत लगाओ, ये हमारी आपको राय है। दूसरा, कभी भी हाई वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक में एंटर मत करो। ऐसे नहीं है कि किसी स्टॉक ने एक साल में 1,00,000 को 1,00,000 बना दिया है तो आप उसमें पैसा डाल दो, नेक्स्ट एक साल में वो नीचे भी जा सकता है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हम आपको जो है लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज प्रोवाइड करते रहेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी होता है, तो वो रिस्क फैक्टर कंसिडर करने के बाद ही आप जो है किसी स्टॉक में निवेश करें, यही हमारी आपको राय है। हमारे चैनल का पर्पज यही है कि लोगों को अवेयर करना ताकि वो यहाँ से फंस मत जाएं, स्टॉक मार्केट में फंसने के चांसेस भी होते हैं। सो थैंक्स दोस्तों, मिलेंगे एक नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ।